श्री शिवचंद पब्लिक इंटर कॉलेज से। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो कंपनी शेयर्स है क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ठीक, सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो कि कंपनी शेयर्स कहलाता है। कंपनी क्योंकि शेयर्स, कंपनी जो शेयर्स हैं वो हमारे दो वर्डों को मिलकर बना है, कंपनी और शेयर्स। तो सबसे पहले हम इसको दो वर्ड में डिफाइन करेंगे, कंपनी और शेयर्स। तो पहले कंपनी जानेंगे, कंपनी किसको कहते हैं और इससे क्या मतलब। अ कंपनी इज अ एंटिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अ लॉ ड्यूरिंग अ बिजनेस। अच्छा, इसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। कंपनी इज अ एंटिटी, एंटिटी का मतलब कि कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है और वो एस्टैब्लिश करी जाती है लॉ के द्वारा। लॉ मतलब टर्म्स कंडीशन के द्वारा, गवर्नमेंट के लॉ के द्वारा, और तब उसको हम लोग डूइंग मतलब हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं या चलाते हैं बिजनेस के तरीके से। अब इसी डेफिनेशन को मैंने तीन भागों में बांट दिया है, ए बी और सी। फर्स्ट है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इसका मतलब यह है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मान लीजिए कि मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, अगर वो कंपनी आगे जाके लैप्स हो जाती है, जब वो कंपनी डूबने लगती है, जब उस पर कोई क्लेम होता है तो क्लेम कंपनी को होगा ना कि मुझ पर। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि ये एक अलग से दिखाई जाने वाली चीज है, और कंपनी जो होती है वो किसी भी पर्सन को रिलेट नहीं करती, कंपनी अपने नाम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, बी क्रिएटेड बाय लॉ। क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब पहले ही मैं समझा चुका हूँ आपको ऊपर कि किस तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा, यानी टर्म्स कंडीशन उसमें जितनी होती है वो लॉ के अंतर्गत आनी चाहिए। अच्छा, थर्ड हैविंग एंटिटी विद अ प्रोस्पेक्चुअल सक्सेशन। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा या कोई भी मेंबर इसमें कभी भी आ सकता है और कभी भी इसको छोड़ के जा सकता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के लिए कि कंपनी कैसे बनाई जाती है। आर एम एस तीन लोग हैं या तीन पार्टनर हैं, लेकिन इन लोगों ने पार्टनरशिप ना करके अपनी अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करी। आर ने करी 5 लाख रुपीज, एम ने करी 6 लाख और एस ने करी 7 लाख। तो टोटल कैपिटल इन लोग की 18 लाख रुपीज हो जाती है। अच्छा, और इन लोग का कंपनी का नाम आर एम एस कंपनी है। अगर ये चाहते तो ये पार्टनरशिप भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट मोटिव कमाने की वजह से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप ना करके कंपनी इस्टेब्लिश करी। ठीक, आगे हम लोग कंपनी और बात करेंगे जब शेयर्स आएगा। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी टू टाइप्स की होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? ओनर ऑफ कंपनी, इसमें ओनर ऑफ कंपनी होते हैं। जैसे ए बी सी ने एक कंपनी स्टेब्लिश करी और उसको वो तीनों ही चला रहे हैं। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ 200 होते हैं। नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे और मैक्सिमम मेंबर्स 200 हो सकते हैं। इसमें शेयर इशू नहीं किए जाते, इसमें शेयर इशू नहीं किए जाते। सेकेंड है पब्लिक कंपनी, अ कंपनी हूज शेयर आर पब्लिक ट्रीटेड शेयर इशू टू पब्लिक। इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए शेयर इशू करती है, जिससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन आप लोग जानते हैं, कभी भी हम लोग किसी भी चीज को जब शुरू करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, पहला था प्रमोशन। जब हम किसी भी नई चीज को लॉन्च करते हैं या उसको बनाने के लिए या फिर उसको नए मार्केट में उतारने के लिए जब भी उसको प्रमोट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट कराया जाता है। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? फॉर द सेल ऑफ हिज शेयर टू इंक्रीज हिज कैपिटल। यानी कि हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये चीज़ें आपको बेनिफिट मिलेंगी, जिसमें आप आ सकते हैं, उसके शेयर खरीद सकते हैं। अच्छा, जब प्रमोशन होता है तो उससे हमारे जो शेयर इंक्रीज होते हैं तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, जिससे हमारी फर्म या फिर कंपनी ज्यादा अच्छी तरीके से रन कर सकती है। सेकेंड है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जो है वो नया एक्ट 2013 के तहत है। जब हम लोग नया कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्ट 2013 मेंशन किया जाता है। इसका थर्ड है स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस ऑफ कंपनी। जब हमारे पास सफिशियंट कैपिटल हो जाती है
जो शेयर होल्डर से हमको रिसीव होती है उसको हम लोग इसमें इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं।